नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज नामकुम रांची में पासपोर्ट सेवा केंद्र रांची का नए परिसर में शुभारंभ करते हुए कहा कि किसी देश की आर्थिक प्रगति में पासपोर्ट कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हमारी आर्थिक गतिविधियां सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं रहकर वैश्विक हो गई हैं। नित्य बदलते हुए परिवेश में युवाओं की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं एवं प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं और इस दिशा में रांची स्थित यह क्षेत्रीय कार्यालय अहम भूमिका निभाएगा। राज्यपाल महोदय ने कहा कि इस पासपोर्ट कार्यालय के द्वारा पासपोर्ट बनाने हेतु मोबाइल वाहन के द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। लोगों को कठिनाई से निजात देने एवं उन्हें सुविधा प्रदान करने की दिशा में इस कार्यालय का यह पहल काफ़ी प्रशंसनीय है। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि किस प्रकार कोयम्बटूर में पासपोर्ट कार्यालय के नहीं होने से आसपास के क्षेत्रों यथा तिरुपुर, इरोड इत्यादि स्थानों के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पासपोर्ट कार्यालय के खुलने के एक सप्ताह के अंदर लगभग 25,000 आवेदन प्राप्त हुए। वहाँ पासपोर्ट कार्यालय खुलने से औद्योगिक गतिविधियाँ काफ़ी तेज हुई और कोयम्बटूर, तिरुपुर एवं इरोड इत्यादि स्थानों का कारोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ा। उन्होंने उम्मीद प्रकट करते हुए कहा कि इस पासपोर्ट कार्यालय के खुलने से झारखंड में औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी, शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और झारखंड में विकास की गति तेज होगी। उनके द्वारा इस अवसर पर सांकेतिक रूप से आवेदकों को पासपोर्ट भी उपलब्ध कराया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।